नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। प्रश्न है, डलहौजी द्वारा भारत में राज्य हड़प नीति लागू करने से पूर्व उसके क्या पूर्वावलोकन थे? नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। वह साम्राज्यवादी सोच वाला था। उसने भारत आते ही अपने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। उसका प्रमुख उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन लाना था। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसने कई नीतियों का अनुसरण किया, जैसे व्यवगत सिद्धांत, गोद निषेध सिद्धांत, कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति और युद्ध और आक्रमण की नीति आदि। ऐसा करने के पीछे उसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश निर्यात को बढ़ावा देना, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भारतीय शासक अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ब्रिटिश निर्यात घट रहा है तथा उसे विश्वास हो गया था कि उसके भारतीय सहयोगी ब्रिटिश विजय में उतने लाभकारी नहीं रहे और इसी कारण से वो इन शासकों से छुटकारा पाना चाहता था। आपको बता दें कि डलहौजी को भारत में विकास, विजय और संगठन के लिए भी जाना जाता है, अतः इसका सही विकल्प है सी।